दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया हाउस के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि G+1 का प्लान है। और फ्रेंड्स, आप लोग इसका एलिवेशन देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया ढंग से बनाया गया है। और इसमें जो हमने डिजाइन किया फ्रेंड्स, 2 BHK का प्लान आपका ग्राउंड फ्लोर में है और 2 BHK का प्लान आपका फर्स्ट फ्लोर में है। और फ्रेंड्स, इसका जो हमने विड्थ रखा है 27 फीट रखा है, लेंथ रखा है फ्रेंड्स 30 फीट। तो 27x30 में यह प्लान बना हुआ है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं, दो साइड से हमने स्टेयर का डिजाइन किया है। इसमें आपको कहीं से भी वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। और फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे, इसका हम लोग मैप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। अगर आप लोग इस टाइप का घर बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग मैप के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और इसमें जो आपका बजट आएगा फ्रेंड्स, वो लगभग 18 से 20 लाख तक आएंगे, जिसमें कि आपका ओनली स्ट्रक्चर प्लान होगा। इसमें आपका फिनिशिंग वर्क जो भी आएगा फ्रेंड्स, वो टोटल आपका एक्स्ट्रा में आएगा। तो आपको यह वीडियो फ्रेंड्स अगर बढ़िया लगे तो अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा, जो घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, ताकि उनको कुछ आइडिया मिलेगा फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें हमने फ्रंट और लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हमने विंडो का यूज किया है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसका आप मैप देखेंगे तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, इसका जो हमने लेंथ रखा है फ्रेंड्स 29 फीट 10 इंच रखा है और विड्थ रखा है 26 फीट 10 इंच, जिसमें कि हमने 2 BHK का प्लान बनाया है। और आप लोग इसका मैप देख सकते हैं। तो मैप में जो हमने डिजाइन किया है फ्रेंड्स, तो इसमें हमने दो साइड से स्टेयर का डिजाइन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक फ्रंट में और एक हमने राइट साइड से दिया है। और सिटिंग स्पेस का जो हमने यहाँ पे डिजाइन किया है, तो इसका स्पेस हमने विड्थ में रखा है 15 फीट 9 इंच और लेंथ में रखा है फ्रेंड्स 6 फीट। और यहाँ पर आप सिटिंग स्पेस में देख सकते हैं, एक मेन गेट है, एक आपका विंडो है। मेन गेट से फ्रेंड्स आप लोग घर के अंदर आते हैं तो आप पहुँच जाएंगे हॉल में। तो हॉल का साइज हमने 12 फीट 4 इंच और विड्थ रखा है फ्रेंड्स 14 फीट 7 इंच। और आप यहां पे देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा एक स्टेयर। स्टेयर का जो हमने डिजाइन किया है फ्रेंड्स, तो इसमें हमने दो स्टेप में स्टेयर को बनाया है, जिसमें कि इसका हमने लेंथ रखा है 8 फीट, विड्थ रखा है 8 फीट 10 इंच। टोटल स्टेप आपका 19 स्टेप आएगा। और एक हमने किचन बनाया है फ्रेंड्स, जिसका हमने लेंथ रखा है 10 फीट और विड्थ भी रखा है 10 फीट। और इसका गेट आपका हॉल के साइड में ओपन होगा। और फ्रेंड्स, इसमें जो हमने बेडरूम नंबर 1 का डिजाइन किया है, तो इसमें हमने विड्थ रखा है 12 फीट 5 इंच, लेंथ रखा है फ्रेंड्स 10 फीट। और फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पे सेकेंड बेडरूम होगा, तो इसका हमने विड्थ रखा है फ्रेंड्स 12 फीट 7 इंच और लेंथ रखा है 10 फीट। तो आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया प्लान है। अगर आप लोग इस टाइप का घर बनाते हैं, तो इसमें जो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा फ्रेंड्स, वो लगभग 18 से 20 लाख तक जाएंगे दोनों फ्लोर में। लेकिन इसमें आपका फ्रेंड्स कोई भी फिनिशिंग वर्क नहीं होगा। तो आपको इसमें भी वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड्स। और फ्रंट एलिवेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को बढ़िया लगा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।